नमस्कार दोस्तों, कांगड़ा शिमला फोर लेन हिमाचल में जो है वो कांगड़ा शिमला फोर लेन का काम काफ़ी तेज़ गति से किया ही जा रहा है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं जो ये तकीपुर कॉलेज के पास है, जहाँ सामने अंडरपास बना हुआ है और काफ़ी अच्छा जो है वो काम किया गया है फोर लेन का। रेलिंग वगैरह जो है वो इधर लगा दी गई है, सामने तकीपुर कॉलेज है तो ठीक ठाक देखने में लग रहा है काम फोर लेन का। काफ़ी अच्छा जो है वो नज़ारा है फोर लेन का, तेज़ गति से गाड़ियाँ जो हैं वो इस फोर लेन से जा रही हैं। ट्रक जो है वो मिट्टी वगैरह जो है वो पूरी भर भर कर पूरा लोड करके जो है वो भारी भरकम गाड़ियाँ जो है उस फोर लेन से जा रही हैं। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये फोर लेन की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, कहीं इसकी गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है। ये सब कुछ जो है वो हमें बरसात में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही बरसात होगी तो सब कुछ जो है वो सामने आ ही जाएगा कि कैसा जो है वो ये फोर लेन गुणवत्ता के हिसाब से बनाया गया है। तो रही बात जे सामने जो खाली जगह है फोर लेन के बीच में, तो इसमें जो है वो प्लानिंग की गई है नेशनल हाईवे द्वारा पेड़ पौधे लगाने की। तो अभी तक जहाँ पर तो पेड़ पौधे नहीं लगाए गए हैं, लेकिन इस फोर लेन पर काफ़ी जगहों पर अभी पौधारोपण का काम शुरू कर भी दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात भी है, पर्यावरण का संरक्षण भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने ज़्यादा फोर लेन बने हैं इन सभी के बनने से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी काटे गए हैं। तो पेड़ पौधे लगाना भी जो है वो ज़रूरी है इस फोर लेन के साइड में, जहाँ भी जो है वो जगह मिलती है फोर लेन की जो खाली जगह, जहाँ पर भी जो है वो पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण भी जो है वो संरक्षित रहेगा और हमें जो है वो शुद्ध वातावरण रहेगा। तो फोर लेन के ऊपर जो है वो काफ़ी स्पीड से अब आप जा सकते हैं। कांगड़ा से अगर आप हमीरपुर की तरफ जाना चाहते हैं, रानीताल की तरफ, तो काफ़ी जो है वो आपको जल्दी जो है वो आप पहुंच सकते हैं काफ़ी तेज़ गति से, क्योंकि फोर लेन जो है वो बन चुका है। बीच बीच में कुछ एक जगहों पर काम रहता भी है, वहाँ भी जो है वो किया जा रहा है। तो बरसात की वजह से जो है वो इस महीने हो सकता है, अगर भारी बरसात हो जाती है तो काम थोड़ा रुक भी जाएगा। तो गुणवत्ता के हिसाब से देखने में तो रोड ठीक लग रहा है, बाकी आने वाला समय ही बताएगा कि कैसी है इस फोर लेन की गुणवत्ता। लेकिन एक बात है कि हिमाचल में जो है वो फोर लेन बन जाने से जो है वो काफ़ी कुछ अब बदल जाएगा। काफ़ी टूरिस्ट जो है वो जो आते थे उनका काफ़ी समय भी बर्बाद होता था, लेकिन अब उम्मीद है कि जो कुल्लू मनाली की तरफ लोग जाते थे वो अब इन फोर लेन के बनने से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आने जाने की जो है वो अब सुविधा हो जाएगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता है इन फोर लेन के बनने से हिमाचल को कितना फ़ायदा होगा, और क्या आपको लगता है कि इन फोर लेन की गुणवत्ता ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अपने चैनल, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।